आज हम लोग प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार भड़ीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम की समीक्षा को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की समीक्षा को। तो देखेंगे कि हिंदी साहित्य में 60 के दशक के नए कहानीकारों में भड़ीश्वर नाथ रेणु का अपना विशिष्ट स्थान है। रेणु की कहानियों का कथा विन्यास एकदम निजी है। उनका कथा क्षेत्र मुख्य रूप से स्वतंत्रोत्तर भारत का ग्रामीण क्षेत्र है। उनके कथा साहित्य का उद्देश्य ग्रामीण जीवन की विषमता के साथ साथ वहां के जीवन में व्याप्त सरसता, सहजता और मानवीय संवेदनाओं को उभारना रहा है, जिसमें वे पूर्णतः सफल भी हुए हैं। तीसरी कसम कहानी की समीक्षा। तीसरी कसम भड़ीश्वर नाथ रेणु की बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी की मूल संवेदना प्रेम है। हीरामन तथा हीराबाई के मध्य बैलगाड़ी के कुछ ही घंटों के सफर में एक आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था। यह आत्मीय संबंध प्रेम का था, लेकिन कहानी में कहीं भी इस प्रेम की स्वीकारोक्ति नहीं मिलती है, ना स्वयं से, ना प्रेमी से, ना ही किसी अन्य पात्र से। इस कहानी में हीरामन और हीराबाई का प्रेम कथित नहीं अपितु व्यंजित हुआ है। कहानीकार ने स्थान स्थान पर इसे बड़ी स्पष्टता से संकेतित किया है। हीरामन की गाड़ी में हीराबाई के सवारी के रूप में चढ़ने के बाद हीरामन की पीठ में अजीब सी गुदगुदी का एहसास होने लगता है। अलग प्रकार की अनुभूति होना इसी बात का द्योतक है। हीराबाई की बच्चों की सी मीठी बोली सुनने और उसकी परी जैसा सुंदर रूप देखने पर हीरामन के हृदय में आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। हीरामन से बात करने के बाद हीराबाई को सहज, सरल और निश्चल हीरामन भासा गया था। सहज आकर्षण क्रमशः प्रेम की भावना में परिवर्तित होता जाता है, जिसमें परिहास अपनी भूमिका निभाता है। महुआ घटवारिन की लोक कथा कहानी में अर्थ के नए आयाम भरती है, जो कहानी की अर्थ व्याप्ति की दृष्टि से अत्यंत सार्थक है। कहानी के अंत में हीरामन से विदा लेते समय हीराबाई का कथन, महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी, ये एक प्रकार का उसके प्रेम और साथ ही उसकी लाचारी को स्पष्ट करता है। इस कहानी की विशेषता घटनाओं या बाह्य स्थितियों के संयोजन में ना होकर मानसिक स्थितियों के संयोजन तथा उनके विस्तार के अंकन में है। भावनाओं की गहराती जटिलता को प्रमाणित करने के साथ ही साथ प्रस्तुत करने के लिए कहानी का कथानक लंबा हो गया है। मुख्यतः रचनाकार की मनोवृत्ति हीरामन के चरित्र व विचारों को उभारने में अधिक रमी है। पूरी कहानी में हीरामन के भाव व हरकतों की ही अधिक मुखरित किया गया है, चित्रित किया गया है। हीराबाई के मनोभाव के दर्शन सांकेतिक रूप से कहीं कहीं चित्रित हुए हैं। इस कहानी में प्रेम की भाव प्रवणता पूरी तरलता चंचलता के साथ व्यंजित हुई है। साथ ही इसकी विशेषता यह है कि यह निश्चल प्रेम कथा कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करती दिखाई देती है। इसमें प्रेम को लेकर न तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ना ही लंबी चौड़ी कस्में खाई जाती हैं। वास्तव में पूरी कहानी में कहीं भी प्रेम का सीधा साधा प्रस्ताव तक नहीं है। यहाँ प्रेम व्यक्त करने के ही नहीं बल्कि महसूस करने वाली खुशबू के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। अपनी इसी विशेषता के कारण तीसरी कसम कहानी एक कालजयी रचना बन गई है। कहानी के शिल्प की विशेषता इसकी किस्सा गोई की शैली है। वाक्य संरचना भी उसी के अनुरूप है। ऐसा लगता है जैसे हम कहानी पढ़ नहीं बल्कि सुन रहे हैं। एक एक पात्र, परिवेश तथा दृश्य हमारी आंखों के सामने से गुजरते हुए प्रतीत होते हैं। यह कहानी वर्तमान में घटित होती चलती है। इस कहानी में पूर्व दीप्ति पद्धति अर्थात फ्लैश बैक पद्धति का भी सहारा लिया गया है। जब हीरामन अपनी पहली दो कसमों के प्रसंग को याद करता है, पहली कसम बांस ढोने पर हुई दुर्घटना के कारण पिटाई होने पर खाई कि अब कभी बांस नहीं ढोएगा,
दूसरी कसम चोर बाजारी का माल ढोते समय उसकी तथा उसकी बैलों की जान आफत में फंसने के समय खाई गई थी कि कभी चोरी का माल नहीं ढोएगा। तीसरी कसम कंपनी की महिला को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाने के संदर्भ में खाई गई थी क्योंकि यहाँ पे उसे दिल के मामले में काफी घाटा होता है। इसी प्रकार कहानी का शीर्षक तीसरी कसम सार्थक ही सिद्ध होता है। प्रस्तुत कहानी में परिवेश अपनी पूर्ण समग्रता के साथ उभर कर आया है। उस अंचल के लोग जो हैं उनकी बोली, खान पान, वहाँ का गीत संगीत, मेला नौटंकी, अंधविश्वास, कुरीतियाँ सब मिलकर अंचल विशेष को जीवंत कर देते हैं। जिस स्थान, काल व समय को रचनाकार ने चित्रित करने का प्रयास किया है वह स्थानीय रंग के कारण कहानी में उभर कर आया है। कहानी में हीरामन और हीराबाई जैसे मुख्य पात्रों के अतिरिक्त जो भी पात्र आए हैं वे अपनी पहचान बनाए बिना नहीं रह पाए हैं। पात्रों के संवाद और स्वागत कथनों के माध्यम से ही हम उनसे परिचित होते चलते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि तीसरी कसम कहानी जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की है वो एक कालजयी रचना है। यह कहानी 5 दशक बाद भी पाठकों को उतना ही अधिक प्रभावित करती है जितना कि अपने रचना काल में करती थी। इस तरीके से यह कहानी भी एक सार्थक कहानी होती है। तो चलिए कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। तो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हीरामन है। इस कहानी का नायक है जो कि सीधा सादा और भोला भाला ग्रामीण युवक है। वह एक गाड़ीवान है जो कि बैलगाड़ी चलाने वाला है। और दूसरे प्रमुख पात्र हैं हीराबाई जो कि नौटंकी में काम अर्थात अभिनय करने वाली एक रूपवती स्त्री हैं, जिसे सामान्य भाषा में बाई कहा जाता है। और अन्य पात्रों में हैं लाल मोहर, धुन्नी राम, पलट दास। ये हीरामन के गांव के गाड़ीवान हैं जो हीरामन के प्रतिस्पर्धी हैं। ये कहानी के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। आशा करते हैं आपको ये समीक्षा समझ में आई होगी कहानी की और आपके लिए परीक्षोपयोगी होगी। धन्यवाद।